फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है और जैसे हमारी छुट्टियां खत्म हो रही है तो दोस्तों हमें वापस जाना है पौंडा की तरफ। जैसे आपको बताया था कि हम जाएंगे वापस वेरना की तरफ। वेरना जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक स्पेशल पॉइंट जो हम लोगों ने मिस किया था। जैसे देख सकते हो आप लोग दोस्त लोग, सफर के लिए गाड़ी भी रेडी है। और दृष्टि, आर यू रेडी? सो लेट्स रॉक गाइस, लेट्स प्रोसीड। फ्रेंड्स, आर यू रेडी? सो लेट्स रॉक। हम वापस मंगोर वर्णापुरी के जंक्शन में पहुंच चुके हैं। अब सामने आपको जो दिख रहा है ये रस्ता जाता है एयरपोर्ट रोड के लिए, एंड दिस इज द रोड विच कम्स फ्रॉम मंगोर। और हम आपको अभी लेके जा रहे हैं, ये है नया रास्ता जो वर्णापुरी से लेके हार्बर तक कनेक्ट होता है। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर रोड बनाया है, 4 लेन फ्रॉम वर्णापुरी टू हार्बर वाया बायना। And the best shot is yet to come. Drishti, do you want to see it? Yes. Come on guys, join us. Watch the sight. It's amazing. हमारे पहले वाले एपिसोड्स में आपने देखा रहेगा, ये बायना बीच आपको दिखाया था। पर आज के दिन काफ़ी धूप है और वेदर इज़ वेरी गुड, सो यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी द पीपल इन्जॉइंग। दे हैव पैरासेलिंग ओवर हियर, जेट स्कीइंग, बोट राइड एंड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ वाटर स्पोर्ट्स फॉर द टूरिस्ट। तो दोस्तों कैसा लगा मॉडिफाइड और ब्यूटिफाइड पूरा बायना बीच, साफ सुथरा बायना बीच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, द एक्टिविटीज ओवर देयर मस्त था ना, क्या बोलती बेबू? लेट्स गो सम टाइम फॉर पैरासेलिंग, राइट? अगर आपको बीच का व्यू अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके सपोर्ट हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम आपको नई नई जगह दिखाएं और उसके बारे में जानकारी दें। तो चले दोस्तों, चले श्री, लेट्स प्रोसीड टू पौंडा नाउ। अब हम पौंडा जा रहे हैं तो यहाँ से हम पकड़ेंगे रास्ता जो न्यू वाड़े मौके जाता है। न्यू वाड़े से रास्ता कनेक्ट होगा वर्णापुरी से वेरना का। इट्स अ कंप्लीट 4 लेन, राइट, एक्चुअली फ्रॉम हार्बर से लेके लोटली तक। सो लाइक यू नो, इट्स जहाँ मुझे पहले पौंडा जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे, अब थोड़ा 10 मिनट कम लगता है। बट नॉर्मल स्पीड, आई डोंट ओवर स्पीड, नॉर्मल स्पीड में यू कैन इजिली रीच अराउंड 35 मिनट्स पहुँच सकते हो आप। तो लेट्स प्रोसीड, डन, लेट्स गो।
बोंगोलो जंक्शन क्रॉस करने के बाद में सामने एक सिग्नल आता है जहाँ से अपने को मेन रास्ता पकड़ना पड़ता है, बट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि आप MES कॉलेज देखें, मर्मगुआ एडुकेशन सोसाइटी, इट्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस. तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट कॉलेज ऑल्सो. तो उसके लिए हम थोड़ा सा रास्ते से लेफ्ट की तरफ लेंगे एंड देन विल कम बैक ऑन द सेम रोड अगेन. MES कॉलेज देखने के बाद हम वापस आ रहे हैं मेन रोड पे, उसी सिग्नल पे जहाँ से हम लोग ने हल्का सा लेफ्ट लिया था, और अब वापस वही सिग्नल पे आने के बाद वहाँ से फुल लेफ्ट लेके बैक ऑन द रोड टू वेरना. गाइज वेलकम टू इंटरेस्टिंग प्लेस, एक छोटी सी रेस्टोरेंट जो वेरना के रास्ते में हमने देखी और गाड़ी रोक ली कि इसको कैप्चर करें बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छी पब्लिक आती है, रश आती है यहाँ पर. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्लेस. दिस प्लेस, जगह का नाम है ईट्स. दिस इज़ अ प्लेस ऑफ फास्ट फूड्स, जूसेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ बेसिकली अ यूनिक स्टाइल ऑफ रेस्टोरेंट. हमारे साथ है गणेश जी, इनका नाम गणेश यादव है. सर इस जगह के बारे में खासियत बताइए ना. सर ये हमारा फूड ट्रक है. फूड ट्रक में हम लोग यहाँ पे हमारे पास में सब कुछ मिलेगा आपको, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स कुछ भी आपको चाहिए वो मिल सकता है यहाँ पे. लॉलीपॉप, चाइनीज़ खाना, हम लोग ईट्स में चाइनीज़ खाना
उसके बाद में शॉर्माज हो गए हमारे पास में, राइस नूडल्स हो गए, साथ साथ में आपको स्टार्टर जो भी है चाइनीज़ का स्टार्टर बर्गर्स हो गए, सारे इट्स में मिलेगा। तो और साथ साथ में गैली में हमारे पास में मोमोज, उसके साथ साथ में पराठाज हो गए, क्रीज हो गए, बाउस, ये वहाँ पे, और बेवरेज वहाँ पे मिलेगा, शेक बेवरेज। सो बेसिकली ये टोटल एरिया जो है खाली फास्ट फूड के लिए। हाँ, फास्ट फूड में आपको जो वैरायटी मतलब अच्छी पूरी फुल वैरायटी मिल सकती है फास्ट फूड में, मिल सकती है। और उसके साथ आपके साथ बेवरेजेस भी है, बेवरेज हो गया, शेक्स जो भी आपको चाहिए, फ्रेश जूसेस भी मिलेगा आपको, फ्रेश जूसेस। वाह, तो आपकी स्पेशलिटी क्या, मतलब अगर आप बोले कि यहाँ के स्पेशल क्या है आपका? सर स्पेशल हमारा मोमोज हो गया, बाउस और शॉर्माज, साथ साथ में जो चाइनीज फूड है हमारे बर्गर्स, कैंडी की बर्गर्स और सिग्नेचर डिश। कैसा है पब्लिक का रिस्पांस, कैसा लग रहा था? अच्छा है। हम वास्को और पौड़ना में रहते हैं, तो जब भी हम अप डाउन करते हैं तो देखें शाम के टाइम हमेशा पैक रहता है, हमारा मन करता है रुके लेकिन हम जल्दी में रहते हैं, लेकिन जरूर फैमिली के साथ वापस आएंगे और यहाँ के पूरे चेकअप करेंगे पूरा। थैंक यू। ऑल गाइज आर वेलकम, गणेश जी बुला रहे हैं सबको, सो यू हैव टू कम गाइज टू चेक आउट दिस लवली प्लेस, द लवली फूड ओवर हियर। So there, Drishti and her mom are placing some orders at this place. Hello. Ma'am, आपका नाम? My name is Nuja Khatun Sheikh. Ma'am, इस जगह की खासियत कुछ बताइए, आप क्या recommend करेंगे, हम क्या order करें? Actually, यहाँ का खासियत ना burger है, बहुत अच्छा burger बनाता है, chicken सब बहुत अच्छे बनाता है। लेकिन अभी हम order करें तो क्या order कर सकते हैं? गैली से आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। गैली? हाँ, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। So can we have momos? यहाँ पर रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? 5:30 से 11 बजे तक। 5:30 टू 11 o'clock आपको जब चाहिए पूरा फुल टाइम सर्विस मिलेगी फास्ट फूड के लिए। Yes, of course. You most welcome. Okay, do the same thing, Bebu. और ये अपना मैडम का पार्सल रेडी, हैंडेड ओवर टू यू मोमोज, राइट राइट, थैंक यू, बाय 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 गणेश जी, आई सी यू अगेन। It's is actually a beautiful place to hang around with family and friends. हमने गणेश जी से बात की और बाकी लोग से भी बात की वहाँ पर, they were so polite, they are so welcoming, I tell you, इतने अच्छी तरह से बात किया उन्होंने, I tell you, I think दृष्टि आप लोग को चलना चाहिए ना शाम को, कभी हम लोग को शाम को जाके लाइक यू शुड ट्राई देयर थिंग, although we have taken momos for the parcel, but कभी दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जरूर वहाँ पर चलेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं वेर्ना जंक्शन में, ये जंक्शन जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लेता हूँ तो आई एम गोइंग टू पैंजिम और राइट लेता हूँ तो मार्गा, हम पहले राइट लेंगे और जब वेर्ना आएगा तो वहाँ से फिर हम वापस लेफ्ट लेंगे।
to cross the Verna Industrial Estate. It's one of the well-known industrial estates of Goa. ये इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे फाइजर है, सिप्ला है एंड IFB. हाँ, IFB भी है इसके अंदर. यस यस, IFB also is there. सो वी गोना शो यू दैट ऑल द इंडस्ट्रीज जितना बाहर से कैप्चर कर सकते हैं. बाकी रोड इज सुपर्ब. सामने जो जंक्शन आ रहा है दृष्टि, ये जंक्शन जो है, यहाँ से अगर मैं अभी राइट लूँगा तो आई विल गो इन टू लोटली रस्सा रोड विच वी टुक द फेरी वाइल गोइंग टू वास्को. एंड अब हम लेफ्ट ले लेंगे, तो लेफ्ट लेते ही वी विल गो टूवर्ड्स डायरेक्टली टूवर्ड्स बोरिम. ये सामने वाला जो जंक्शन अभी आने वाला है, ये जंक्शन से अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो बोरिम और पौंडा की तरफ जाऊँगा, और अगर मैं राइट की तरफ लेता हूँ तो आई एम गोइंग टू मारगांव. बोरिम ब्रिज क्रॉस करते ही व्हेन यू गो स्ट्रेट एंड द स्लोप गोज डाउन, वहाँ से अगर जब एक वापस एक जंक्शन आएगा जहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो इट गोज टू शिरोडा एंड राइट इज टू पौंडा.
पौंडा के लिए गाड़ी घुमाते ही थोड़ी दूर में राइट साइड में अपने साईं बाबा के दर्शन होते हैं। इतना ब्यूटीफुल टेंपल है। ये जो रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं थर्सडे के दिन शाम के टाइम, इस रास्ते को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कभी भी प्लानिंग कर रहे हो थर्सडे के दिन पौंडा से निकलना या फिर पौंडा की तरफ आना, भाई मेरे कम से कम एक घंटे का गैप ले लेना, कोई श्योर नहीं है। एक बार ट्रैफिक जाम हो गई तो हो गई, आप अटक गए तो अटक गए। वास्को निकले थे सुबह में, पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जगह देखते देखते घूमते फिरते हम एक्चुअली शाम को पहुंचे हैं पौंडा। आप सोचोगे ये लोग सुबह के निकले शाम को पहुंचे, इतना दूर तो नहीं है, इट्स जस्ट अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स। इट टेक्स अराउंड, आई टोल्ड यू, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मैक्सिमम इट टेक्स टू रीच फ्रॉम वास्को टू पौंडा या पौंडा टू वास्को। जाते वाली जो ट्रिप हमारी थी वो थी रसाई फेरी, और रसाई फेरी से हम लोग गए तो कौरताली मौके गए थे, और अब आए हैं वहाँ से हाईवे से। ये सफ़र हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट जर्नी हम कोशिश करते हैं गोवा के बाहर जाने के लिए, एक छोटा सा ट्रिप बनाते हैं गोवा के बाहर। क्या बोलती है दृष्टि, शुड वी गो आउटसाइड गोवा या वी कंटिन्यू विद गोवा? आउटसाइड गोवा, एक ट्रिप तो बनता है यार, काफ़ी टाइम से गोवा घुमा रहे हैं आपको। हम गोवा कंटिन्यू रखेंगे, वी विल कंटिन्यू विद गोवा, बिकॉज आपको अभी, इनफैक्ट हम लोग पौंडा में रहते हैं और पौंडा नहीं दिखाया अभी तक आपको, तो बहुत जल्दी आपको पौंडा भी दिखाएंगे, लेकिन एक क्विक ट्रिप थोड़ा बाहर करते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे उसको बैठ के प्लान करके आपको बताते हैं, एंड वी विल कीप इन टच इन द इंस्टाग्राम। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। टिंग टिंग। Bachelor of Business Administrative, I think so, if I'm wrong, if I'm right. If I'm wrong, if I'm right. So friends, we finally reached Pondha. So friends, we finally reached Goa. Goa? Pondha. Oh, sorry.